आवाज आ रही है? आवाज क्लियर आ रही है आपको? माइक ऑन कर दिया। हाँ ठीक है, सो आवर टुडेज टॉपिक इज इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इट्स इन्वेस्टमेंट फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू क्लियर द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। जनरली वी यूज द इन्वेस्टमेंट मीनिंग इन जनरली वेन वी परचेज एनी टाइप ऑफ सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स और एनी लैंड और परचेज एनी एसेट्स, देन वी यूज द वर्ड इन्वेस्टमेंट। बट इन इकोनॉमिक्स द इन्वेस्टमेंट मीन्स टू एक्वायर एनी न्यू प्रॉपर्टीज विच वी यूज इन द production of goods and services. First of all, I want to clear here ki when we purchase any securities, bonds, any exist, land or any capital or assets, that is only investment. But in economics, not any exist capitals, but when we acquire any capital formation, that is investment. हिंदी में आपको समझाती हूँ मैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं होता कोई पहले से कोई चीज़ है, आपने उसे खरीद लिया, जैसे शेयर में, प्रॉपर्टी में, बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करना, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। इकोनॉमिक्स में ये जनरली हम इन्वेस्टमेंट मानते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जब कोई ऐसी प्रोडक्टिव एसेट्स आप फॉर्मेट करें जिनका यूज़ आप प्रोडक्शन में कर रहे हैं। सो इन इकोनॉमिक्स इन्वेस्टमेंट मीन्स when you acquire any productive assets and use these assets in the production process, then it is known as investment. When you acquire any productive asset but don't use in production process, this is only capital formation. When you use this capital formation in production process, that time this capital formation is converted into investment. So it is clear in simple language, investment means to purchase share, bonds, any capital, exist, land also. But in economics, investment means to acquire any new capital assets and use these assets in the production process. When you use or purchase any new assets but don't use in production process, it is only capital formation. When you use these assets, these new productive assets in capital, in production process, then it is converted into investment. So it is clear now, investment means to purchase or the new productive asset and use them in the production process. It is clear right now? हम बात करें प्रोडक्शन फंक्शन की। सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। फर्स्ट जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, दैट इज पब्लिक इन्वेस्टमेंट। इट इज पब्लिक इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज पब्लिक इन्वेस्टमेंट? व्हेन गवर्नमेंट और एनी लोकल बॉडीज इन्वेस्ट, दैट इज पब्लिक इन्वेस्टमेंट। जस्ट लाइक टू मेकिंग रोड, ब्रिजेस, any building of any public places, that is public investment. जब सरकार कोई investment करती है या आपका कोई स्थानीय area जो government है वहाँ की, वो कोई investment करती है, that is वो आपका public investment कहलाता है। जो दूसरा हमारा जो investment है, that is private investment. पहला जो investment था वो था पब्लिक इन्वेस्टमेंट, जिसमें गवर्नमेंट और कोई लोकल बॉडीज क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब गवर्नमेंट कैसे इन्वेस्टमेंट करती है, वो डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट भी हो सकते हैं, नॉन डेवलपमेंट भी हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट के द्वारा कोई ब्रिज बनाना, डैम बनाना, स्कूल बनाना, पार्क बनाना, दैट इज पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ठीक है, दूसरा हमने कहा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। व्हाट आर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट? दीज इन्वेस्टमेंट आर डन बाय एनी इंडिविजुअल्स, जैसे किसी नई कंपनी को स्टार्ट करना,
ठीक है, कोई नई बिल्डिंग खरीदना, अपना घर करना, दैट इज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. जो नेक्स्ट है, दैट इज थर्ड जो हम अपना इन्वेस्टमेंट देखते हैं वो है ऑटोनॉमस. ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट. अभी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या है? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इज द इन्वेस्टमेंट विच इज इंडिपेंडेंट, जो किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता. इट इज नॉट रिलेटेड टू द इनकम, प्रॉफिट और इंटरेस्ट. द ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इज नॉन एज इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट. इट इज नॉट रिलेटेड टू एनी इनकम, प्रॉफिट और एनी रेट ऑफ इंटरेस्ट. वेयर एज इन्वेस्टमेंट ऑलवेज रिलेटेड टू द इंटरेस्ट रेट. हमेशा आप सोचते हो ना कि इन्वेस्टमेंट कब करते हैं, हम सोच कर करते हैं कि उसका इंटरेस्ट रेट से कोई रिलेशन होना चाहिए. अगर हमें हायर इंटरेस्ट मिलता है तो वी आर इन्वेस्टेड अवर मनी इन दैट फील्ड, या हमें प्रॉफिट मिल रहा है. लेकिन जो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होता है दैट इज फ्री फ्रॉम इनकम, प्रॉफिट और रेट ऑफ इंटरेस्ट. दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज ऑटोनॉमस इन्वेस्ट. दीज इन्वेस्टमेंट्स आर डन बाय, मोस्टली डन बाय द गवर्नमेंट. ऐसे जो इन्वेस्टमेंट होते हैं ये इनकम से रिलेटेड, इट इज नॉट रिलेटेड टू द नेशनल इनकम. दीज इन्वेस्टमेंट आर नॉट रिलेटेड विद द नेशनल इनकम. दैट्स व्हाई दीज इन्वेस्टमेंट आर नोन एज इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट. इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकम कम है ज्यादा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है ज्यादा है, कोई फर्क नहीं पड़ता. द ऑटोनॉमस जो इन्वेस्टमेंट होता है दे आर स्टेबल, कॉन्स्टेंट होते हैं. अगर हम इसका डायग्राम बनाएंगे, दिस इज योर ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट. ठीक है, यहां पर आप देखिए, यहां आप इनकम लेंगे और यहां अगर आप इन्वेस्टमेंट लेंगे, We have taken income. Clear नहीं आ रहा सर? क्लियर नहीं आ रहा, क्लियर नहीं आ रहा. आप दिखाई दे रहा है? ठीक है, वापस ब्लर है. अब क्लियर है? अच्छा, चलो मैं करता हूँ. हाँ, वापस शुरू है ना, शुरू से वापस नहीं, जहां से कंटिन्यू करो वो हो जाएगा बीच में क्रॉप. चलिए, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट. आई हैव टोल्ड यू ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इज इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट इन विच इट इज नॉट रिलेटेड विद द इनकम, प्रॉफिट और रेट ऑफ इंटरेस्ट. इफ योर इनकम इंक्रीजेस डजंट मैटर, कोई मतलब नहीं. अगर इनकम बढ़े चाहे घटे, इट इज कॉन्स्टेंट.
वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे इनकम बढ़ेगी चाहे घटेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्राइजेस, किसी का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसलिए हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, बिकॉज इट डजेंट रिलेटेड टू द नेशनल इनकम। ये कभी भी नेशनल इनकम से रिलेट नहीं करता, चाहे नेशनल इनकम बढ़े चाहे घटे, इट इज़ अ मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये तो वो इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट को करना ही पड़ता है, चाहे इनकम बढ़ेगी चाहे घटेगी, वट एवर। सो इट इज़ द इन्वेस्टमेंट विच इज नॉन एज इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट, विट डजेंट रिलेट विद द प्रॉफिट लॉस और इनकम। दैट्स वाई जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है उसका डायग्राम क्या होता है, इट इज पैरेलल टू ओ एक्स एक्सिस। वी हैव टेकन इनकम ऑन ओ एक्सिस एंड टेकन इन्वेस्टमेंट ऑन ओ वाई एक्सिस। हेयर यू सी द इन्वेस्टमेंट कर्व इज स्ट्रेट, इट इज पैरेलल टू ओ एक्स एक्सिस। जस्ट सी हियर, इफ योर इनकम इज वाई द इन्वेस्टमेंट इज 100 रुपीज, इफ योर इनकम इज इंक्रीजेज from y to y1 it is also 100, if it is decreases from y2 it is also 100. So it is doesn't matter your income increases or decreases, it is constant on every level of income. Haan? देखिए, दिस इज इंडिपेंडेंट, इट इज पब्लिकली डन बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के थ्रू किया जाता है। इट इज द मिनिमम, जैसे रोड बनानी है, ब्रिजेस बनानी, नाउ इन द दीज सर्कमस्टेंसेस, अभी जो टाइम चल रहा है, मान लीजिए हमारी इनकम बढ़ नहीं रही है, लेकिन ये जो मिनिमम लेवल इन्वेस्टमेंट है ये गवर्नमेंट को करने ही पड़ते हैं। रोड का निर्माण, ब्रिज का, ये बंद नहीं हो जाएगा। सो इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन इनकम। अभी मैंने आपसे कहा ना, द ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट आर नॉट रिलेटेड विद द नेशनल इनकम। ये नेशनल इनकम से कोई रिलेशन नहीं करता इसका, ना प्रॉफिट से रिलेटेड करता है और ना ही ये रेट ऑफ इंटरेस्ट से रिलेट करता है। तो इफ योर इनकम इज लेस और मोर, इट इज कॉन्स्टेंट ऑन एवरी लेवल ऑफ इनकम। नाउ इट इज क्लियर? देखिए, ऐसे तो दोनों तरीके से होता है, जैसे हम भी कर सकते हैं, वी आर जस्ट डूइंग द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, उसी फॉर्म में हम करते हैं। जैसे मिनिमम इन्वेस्टमेंट का, इफ यू पेइंग एनी टाइप ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, अगर आपका इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं तो वो भी आप करते ही हैं, ठीक है। मिनिमम, ये नहीं कि आपने, अगर इनकम नहीं है तो आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा है, ऐसा नहीं। इट इज़ द मिनिमम, हम सोच के चलते कि इतना तो हम अपने पार्ट का इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वो प्राइवेट हो गया, जैसे कंजप्शन होता है ऑटोनोमस। और यदि गवर्नमेंट करती है, ठीक है, तो रोड, ब्रिज, जो भी ये ऐसी चीज़ें होती है जो नॉन प्रोडक्टिव होती है, लेकिन गवर्नमेंट को करनी पड़ती है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो अपना इन्वेस्टमेंट है, दैट इज इंड्यूस्ड। इट इज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज दिस? दिस इन्वेस्टमेंट इज इनकम इलास्टिक। दिस इन्वेस्टमेंट इज रिलेटेड टू इनकम। इफ योर इनकम इंक्रीजेस, डेफिनेटली दिस इन्वेस्टमेंट विल बी इंक्रीजेस। इफ योर इनकम डिक्रीजेस, डेफिनेटली दिस इन्वेस्टमेंट विल ऑल्सो डिक्रीजेस। तो जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होता है वो इनकम पे डिपेंड करता है। अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो ये वाला इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और इनकम घट रही है तो ये इन्वेस्टमेंट घटेगा। तो दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रिलेटेड टू इनकम, ये नेशनल इनकम से रिलेट करता है। इसके अलावा इट इज रिलेट टू द इंटरेस्ट रेट ऑल्सो। इंटरेस्ट रेट अगर ज़्यादा है, यू हैव टू इन्वेस्टेड लेस। अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो यू हैव टू इन्वेस्टेड मोर। इट्स ऑल्सो रिलेटेड विद द प्रॉफिट अश्यू। अगर आप प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आपकी इनकम ज़्यादा होगी, सो यू हैव टू इन्वेस्ट मोर। सो दिस इज द इन्वेस्टमेंट विच इज रिलेटेड टू इनकम, प्रॉफिट और रेट ऑफ इंटरेस्ट। दैट्स वाई द स्लोप ऑफ, डायग्राम से देखेंगे हम, यहाँ वी हैव टेकन इनकम ऑन ओ एक्स एक्सिस, ऑन ओ वाई we have taken investment. So here your curve is increasing. यहाँ जो हम देख रहे हैं आपका investment curve है, it is increasing. As your income increases, your investment also increases. जैसे जैसे आपकी income बढ़ती है
जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, जैसे जैसे प्रॉफिट का रेशो बढ़ता है, वैसे वैसे ये इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है. सो इट इज रिलेटेड टू थ्री फैक्टर्स, इनकम, प्रॉफिट और रेट ऑफ इंटरेस्ट. एज योर इनकम इंक्रीजेस, वाई से वाई वन हो गई, यहाँ देख रहे हैं यहाँ आपकी इनकम वाई है, दिस इज योर इन्वेस्टमेंट. इफ योर इनकम इंक्रीजेस फ्रॉम वाई टू वाई वन, डेफिनेटली योर इन्वेस्टमेंट ऑल्सो इंक्रीजेज फ्रॉम आई टू आई वन. यानी जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता है वैसे वैसे आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है. तो ऑटोनोमस में तो हमने देखा था इट इज इनकम इन इलास्टिक, इसका इनकम से कोई रिलेशन नहीं होता. लेकिन जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होता है इट इज रिलेट टू इनकम, सो ये इनकम इलास्टिक होता है. इज इट क्लियर राइट नाउ? ओके, नाउ वी डिफरेंशिएट. अगर हम डिफरेंशिएशन करना चाहें किसमें, इंड्यूस में और ऑटोनोमस में, अगर हम वी आर वॉन्ट्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन द ऑटोनोमस और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट. Autonomous investment induce investment. When we differentiate the autonomous investment with the induce investment, so the first point is this is independent. This is independent investment. The autonomous investment is independent investment, while as induced investment, this is dependent investment. First point क्या हो जाएगा कि जो आपका autonomous investment है वो dependent नहीं है, किसी पे डिपेंड नहीं करता, इट इज अ मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट. बट जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है वो डिपेंड करता है, वो मैटर करता है. किस पे डिपेंड करता है? इनकम पे डिपेंड करता है, आपके प्रॉफिट पे डिपेंड करता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है. तो सेकेंड पॉइंट हमारे यहां बन जाएगा इट इज इनकम इन इलास्टिक. ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, इट इज इनकम इलास्टिक, इट्स डिपेंड्स ऑन इनकम. इफ योर इनकम इंक्रीजेस इट इज इंक्रीजेस, सॉरी इट इज इनकम इन इलास्टिक, इनकम से कोई रिलेटेड नहीं करता, इट इज डजंट रिलेटेड विद द नेशनल इनकम. इफ योर इनकम इंक्रीजेस और डिक्रीजेस डजंट मैटर, इट इज द मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट विच इज डन ऑन एवरी लेवल ऑफ इनकम. किसी भी लेवल का इनकम हो आपको ये इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा, इसलिए इनकम इन इलास्टिक होता है. Now, induced investment. It is income elastic. ये जो होता है induced investment, it is related to, it is dependent on income changes. If your income increases, definitely this type of investment also increases. If your income decreases, definitely your this type of investment decreases. ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए? ठीक है. थर्ड जो अपना पॉइंट हमने देखा, इट इज कॉन्स्टेंट, इट इज कॉन्स्टेंट ऑन एवरी लेवल ऑफ इनकम. एवरी लेवल ऑफ इनकम, ठीक है, या हम कह सकते हैं इट इज कॉन्स्टेंट ऑन एवरी लेवल ऑफ इनकम. इनकम के किसी भी लेवल पे क्या है? कॉन्स्टेंट है. तो इसका कर्व कैसा हो गया? द कर्व ऑफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज पैरेलल टू ओएक्स एक्सिस. तो इट इज कॉन्स्टेंट ऑन एवरी लेवल ऑफ इनकम, चाहे इनकम बढ़ेगी चाहे घटेगी, इट इज कॉन्स्टेंट. यहां पर हम देखेंगे इट इज चेंजेबल, अकॉर्डिंग टू द चेंज इन इनकम. ठीक है,
जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है इट इज कॉन्स्टेंट ऑन एवरी लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, चाहे इनकम बढ़े चाहे घटे, इट इज कॉन्स्टेंट ऑन एवरी लेवल, किसी भी लेवल पे, बिकॉज इट इज मिनिमम लेवल ऑफ, इट इज चेंज, ये चेंजेबल होता है. कैसे? एज यू इनकम इंक्रीजेस इट इज इंक्रीजेस, एज यू इनकम डिक्रीजेस इट इज डिक्रीजेस. नेक्स्ट पॉइंट है, दिस इन्वेस्टमेंट कर्व इज पैरेलल टू ओ एक्स एक्सिस. ये जो अभी अपन ने देखा, अभी आपने देखा डायग्राम में कि जो ये इन्वेस्टमेंट कर्व इट इज पैरेलल, वो पैरेलल होता है किसके, ओ एक्स एक्सिस के. आप चाहे तो डिफरेंशिएशन में उसका डायग्राम भी बना सकते हैं इस तरह से. यहां पर हम इन्वेस्टमेंट लेंगे और यहां आपने ली इनकम. तो आपने बता दिया यहां पे कि चाहे इनकम आपकी बढ़ रही है चाहे आपकी इनकम घट रही है, वाई से वाई वन हुई या वाई से डिक्रीज होकर वाई टू हुई, इट इज कॉन्स्टेंट ऑन एवरी लेवल ऑफ इनकम. ये कैसा है? कॉन्स्टेंट है, इसलिए पैरेलल टू ओ एक्स एक्सिस है. और ये जो होता है ये इट इज चेंजेबल होता है इनकम के अकॉर्डिंग. दिस इन्वेस्टमेंट कर्व इज अपवर्ड, अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ. तो हम कर्व बना सकते हैं. We have taken income on OX axis and investment on OY. तो ये जो curve बनेगा आपका, this is your curve. In, as your income increases, it is also increases. ठीक है, differentiation समझ में आ गया आपको? यहां तक कोई दिक्कत? आप कर सकते हैं डिफरेंशिएशन? कोई दिक्कत नहीं यहां तक? ओके. अब हम बात करते हैं एक्स पोस्ट और एक्स एस एंटी इन्वेस्टमेंट की. हम बात कर रहे हैं एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट और एक हमारा है एक्स पोस्ट, एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट. ठीक है, एज यू नो एक्स एंटी और एक्स पोस्ट. व्हाट इज एक्स एंटी एंड एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट? अब देखिए, जब आप अपने मोबाइल को रिचार्ज कराते हैं ना, किसी में तो आपको पहले पेमेंट करना पड़ता है, दैट इज प्रीपेड, पहले पे कीजिए, प्रीपेड रिचार्ज होता है. एक होता है पोस्ट पेड रिचार्ज, जब आपने पूरे महीने बिल अपना कॉल कर लिए तो आपका एक बिल आता है कि आपने पूरे महीने इतना किया, अब आपको बिल पे करना है. ठीक इस तरह से इन्वेस्टमेंट में भी है एक्स एंटी और एक्स पोस्ट. एक्स एंटी का मतलब होता है प्लान्ड, इट्स मींस प्लान्ड और डिजायर्ड, प्लान्ड और डिजायर्ड, डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट. एक्स एंटी मीन्स इट इज प्लान और डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट. यानी जैसे आपने सोचा कि मैं इस महीने इतना इन्वेस्टमेंट करूंगा या इस साल इतना इन्वेस्टमेंट करूंगा, पर ड्यू टू समथिंग, जैसे अभी कोविड का टाइम आ गया है ना, हमने सबने सोचा था ऐसे करेंगे, लेकिन अभी इकॉनमी में डाउनफॉल चल रहा है, तो हमने सोचा बहुत कुछ लेकिन कर नहीं पाए. तो प्लान एंड डिजायर्ड, जो हमने सोचा, हमने प्लान किया कि हम अपनी इनकम का इतना रेशो इन्वेस्ट करेंगे. तो एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट मीन्स प्लान्ड और डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट. नाउ वी टॉकिंग अबाउट एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट, इट इज एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, इट इज एक्चुअल इन्वेस्टमेंट. ये क्या है? एक्चुअल, एक्चुअल मतलब वास्तव में आपने कितना किया. एक्स एंटी मीन्स प्लान, जो आपने सोचा, और एक्सपोज्ड मीन्स जो आपने कर लिया पूरा, मतलब एक्चुअली कितना किया. ठीक है, तो जो एक्स
पोस्ट जो इन्वेस्टमेंट होता है, अगर हम उसका फॉर्मूला लिखें, एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू प्लान या डिजायर्ड, और इसमें प्लस कर सकते हैं हम अनप्लान्ड, अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट. ठीक है, एक्स एन टी में क्या था, ओनली प्लान और डिजायर, जो आपने सोचा. एक्स पोस्ट में जो आपने सोचा वो भी और अनप्लान्ड भी. मान लो आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो गया तो आपने प्लान तो नहीं किया था लेकिन हो गया, तो दैट इज प्लान्ड और प्लस अनप्लान्ड दोनों इसके अंदर आते हैं. ठीक है, ठीक. इस तरह से सेविंग में भी होता है. सेविंग में भी अगर हम बात करें, एक्स एन टी सेविंग और एक्स पोस्ट सेविंग, तो इसमें भी यही होता है. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द एक्स एन टी, सो इट इज प्लान्ड और डिजायर्ड सेविंग. और हम एक्स पोस्ट की बात करें तो इट इज एक्चुअल, एक्चुअल सेविंग. तो अगर हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे एक्स पोस्ट का, एक्स पोस्ट सेविंग इक्वल्स टू प्लान्ड प्लस अनप्लान्ड सेविंग्स. ठीक है, एक्स एन टी का मतलब जो भी आपने डिजायर किया या सोचा या प्लान किया, दैट इज एक्स एन टी. और एक्स पोस्ट का मतलब क्या हो गया, विच इज एक्चुअल इन्वेस्टमेंट. ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, भूमिका समझ में आ रहा है आपको? आपको समझ में आ रहा है भूमिका? ठीक है, बाकी सभी को समझ में आ गया यहां तक, कोई दिक्कत? ठीक है, आज इतना ही करें फिर. ओके, हैव अ नाइस डे बेटा, थैंक यू.